लेते हैं, कुकर दो सीटी आने के बाद बंद करूँगी। बॉयल आने तक वेट करती हूँ। इसमें दो नींबू ले ली, इसके बाद इसको मैं रखूंगी। कट करने के बाद इसको मैं चलती हूँ, स्क्वीज कर लूंगी। यहाँ पे नींबू मैं तैयार कर रही हूँ, फाड़ती हूँ थोड़ी थोड़ी डाल के। ये मेरा दूध फट गया, देख लो गाइस। अभी इसको मैं छानूंगी। ये मेरा आलू उबल के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, फिर यहाँ पे मैं एक छन्नी ले लूँ, छन्नी की मदद से छानूंगी। बेट की थी, इसके बाद इसको छानूंगी। देखिए पक्का भी छाने जा रही था। इसे ठंडे पानी से इसको ऐसे करके ऐसे कर लो। यहाँ पे पानी डाली को करके कुकर पानी डाल के इसको दबा के एक घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। आलू को छील कर रख ली हूँ। सब आलू को मैं ग्रेट करके, इतना सारा निकला है, देखो भाई कितना अच्छा ग्रेट हुआ। नमक डाल रही हूँ, इसके बाद मगरेल और अपना थोड़ा सा डाल दूंगी। इसके बाद थोड़ी सी हींग भी डाल देती हूँ, ऑप्शनल है। एक चम्मच के लगभग यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल तेल डाल रही हूँ, तो इसको मिक्स कर लेती हूँ। आटा लग के रेडी हो गया, फूल रहा देखो गाइस। इसको एक घंटे के लिए मैं ढक के रख दूंगी रेस्ट होने के लिए, इसके बाद पराठा बनाऊंगी। इसके बाद एक चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे इसमें, थोड़ी सी जीरा, इसके बाद हींग, मसाला धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, यहाँ पे गरम मसाला थोड़ी सी डाल देती हूँ, नमक, रेडी हो गया है। इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, गैस बंद कर दूंगी। यहाँ पे मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, यहाँ पे जीरा डाल दी।
सिर्फ 5 मिनट के लिए और पकाना। गैस मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है, बंद कर देंगे। छोटी छोटी यहाँ पे काट करके रख ली है। इसको इसमें आलू भरेंगे, थोड़ा सा आटा सूखा आटा लगाएंगे। इसके बाद ऐसे ऐसे करके दिया बना रहे हैं गैस। जैसे दिया बनता है ऐसे ही बना के ऐसे ऐसे फिर इसमें आलू भर देंगे। ऐसे इतना आपसे हो सके उसे इतना दबा दबा के भरो। मैं अब सर्व कर रही हूँ, मैं अभी खाऊंगी, बच्चों को भी दूंगी। पे है दो पराठे, पनीर दाल रेडी।